कली कहा विकसती अगर एक कली हो तो विकसती अगर दो कलियाँ हो तो विकसत अगर दो या सॉरी तीन या तीन से भी ज़्यादा कलियाँ हो तो विकसंती तो हम ए, अगले एग्जाम्पल पर मूव करते हैं चटका कूजती हमारा अगला एग्जाम्पल है चटका कूजती चटके कूजत एक अगर चिड़िया हो तो कुजती कुजती का मतलब चाह चाहती है यह चहल चलाती है मतलब चिरप चिरप करना इन इंग्लिश विषय छिरप चिरप ओके चटके कूजत अगर दो चटके हो मतलब दो चिड़िया हो तो कुजत हो तो हमारा अगला है चटकाहा कूजंती हमारे ये लास्ट वाला था चटकाह कूजंती अगर तीन तीन चिड़िया हो तो कूजंती तो अगला हमारा अगला है मूशिका धावंती हमारा अगला एग्जाम्पल है मूशिका धावंती उसके अगला है मूशिका का धावत मूश धावंती तो हमारा अगला वाला है गायिका गायंती गाय के गाय गायिका गायंती अगर एक गायिका गाती है तो हम बोलते हैं गायत्री अगर दो गायिका गाते हैं, तो हम बोलते हैं गायत अगर तीन या तीन से भी ज़्यादा गायिका गाती है तो हम बोलते हैं गायंती तो हम अगले एग्जाम्पल पर मूव करते या हैं या चलते हैं बालिका वदती बालिके वदत बालिका वदंती अगर एक बालिका बोलती बालिका है वो वदती मतलब बोलती है तो हम बोलते हैं वदती वदती का मतलब है बोलना अगर दो बालिका बोलती है तो हम बोलते हैं हम अगर तीन या तीन से भी ज़्यादा बालिका बोलती है तो हम बोलते हैं वदंती तो हम अगले या लास्ट एग्जांपल पर हम चलते हैं तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है नायिका नृत्यंती नायिके नृत्य तयिका नृत्यंती अगर एक नायिका नाचती है तो हम बोलते हैं नृत्य अगर दो नायिका नाचती है तो हम बोलते हैं नृत्यतः अगर तीन नायिका या तीन से भी ज़्यादा नायिका नाचती है तो हम बोलते हैं नृत्यंती तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर तो

इधर हमें एक वचन द्रिवचन और बहुवचन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो पहला है एक फल हो तो फलम दो फल हो तो फले अगर तीन फल हो तो या तीन या तीन से भी ज़्यादा या अनेक फल हो तो हम बोलते हैं फलानी हमारा अगला एग्जाम्पल है पत्रम पत्रे पत्रानी अगर एक पत्ता हो तो पत्रम दो पत्ते हो तो पत्रे तो अगर तीन पत्ते या तीन से भी ज़्यादा या अनेक पत्ते हो तो मित्रानी तो अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाने अगर एक पुस्तक हो तो पुस्तकम अगर दो पुस्तक हो है तो पुस्तके अगर तीन या तीन से भी ज़्यादा पुस्तक हो तो पुस्तकाने तो हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल है कल क्या बोलते कमलम कमले कमलानी अगर एक कमल हो तो कमलम दो कमल हो तो कमले और तीन या तीन से भी ज़्यादा कमल हो तो कमलानी तो हमारा एग्ज अगला एग्जाम्पल है गुरु है गुरुहानी वे वह वैसे आएगा जिसे हमने दो एग्जाम्पल्स देखे तो तो थे गुरु है गुरुहानी मित्रम मित्रे मित्रानी तो हम अगले एग्जाम्पल के चार्ट पर चलते हैं रुपये कम रुपये के रुपयानी एक रुपए हो तो हम बोलते हैं रुपये कम दो रुपए हो तो हम बोलते हैं रुपये के और तीन रुपए हो तो हम बोलते हैं रुपयानी तो अगला एग्जाम्पल है आम्रम आमरे आमरानी एक आम हो तो आम्रम, दो आम हो तो आम आमरे अगर तीन या तीन से भी ज़्यादा आम हो तो आमरानी तो हम अगले एग्जाम तो हमारा अगला एग्जाम्पल है पुष्पम पुष्पे पुष्पानी अगर एक फूल हो तो हम बोलते हैं पुष्पम दो फूल हो तो हम बोलते हैं पुष्पे अगर तीन या तीन से भी ज़्यादा फूल हो तो हम बोलते हैं तो हमारा अगला अगला या लास्ट एग्जाम्पल है संगणकम संगण संगणकानी एक संगणकम एक संगणक हो तो हम बोलते हैं संगणकम दो हो तो संगणक तीन या अनेक हो तो हम बोलते हैं संगणकानी तो हमने आज इतने एग्जाम्पल्स uh, या चैप्टर देखे हैं सो इट्स ओके फॉर टुडेज सेशन आई थिंक सो सो इट्स ओके फॉर टुडेज सेशन so we'll meet in the another session or next session so till that bye bye so like our video share our video subscribe the channel and hit the bell icon and so that you will get the notification of the sixth session of sanskrit learning language so till that bye bye